हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंदिर में दर्शन के वक्त आपस में रखनी चाहिए दूरी, यानी कि मंदिर में दर्शन करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मंदिर में दर्शन करते समय हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे उनको पूजा का फल पूरा नहीं मिल पाता है। काशी के धर्मशास्त्र के जानकार पंडित गणेश मिश्र ने बताया है कि धर्मस्थल पर जाने और पूजा के कई नियम ग्रंथों में बताए गए हैं। उनके अनुसार मंदिर में भी अनुशासन में रहना चाहिए और स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए विशेष नियम बताए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को उचित दूरी बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे को छूने से बचना चाहिए, जिसमें किसी का ध्यान पूजा से ना हटे। पंडित मिश्र के अनुसार फोटोग्राफी, काले कपड़े और बेल्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर भी दर्शन नहीं करने चाहिए। सबसे पहला जो उन्होंने बताया है, दूसरों से उचित दूरी रखें और किसी के आगे ना खड़े हो। मंदिर में दर्शन या प्रार्थना के लिए जाएं तो आसपास वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मंदिर में दूसरे को स्पर्श से बचना चाहिए। ऐसा करने पर पूजा से आपको या दूसरे का ध्यान नहीं हटेगा। मंदिर में दर्शन के दौरान किसी के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही किसी के आगे की तरफ से निकलना चाहिए, इसे दोष लगता है। दूसरा उन्होंने बताया है कि फोटोग्राफी और मनोरंजन से बचना चाहिए। मंदिर में फोटोग्राफी और किसी तरह के मनोरंजन से भी बचना चाहिए, यानी कि वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धर्मस्थल की गरिमा और लोगों की श्रद्धा प्रभावित होती है। मानसिक शांति और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को करने से बचना चाहिए। तीसरा बताया है, काले कपड़ों से बचना चाहिए। मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, जहाँ मानसिक शांति मिलती है। काला रंग नकारात्मक पैदा करता है, इसलिए किसी भी मंदिर में जाते वक्त काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मंदिर जाते समय सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। गहरे नीले कपड़ों से भी बचना चाहिए। चौथा बताया उन्होंने, तेज आवाज़ में बोलने और हंसने से बचें। मंदिर में भूल से भी आपस में हंसी मजाक ना करें। धर्मस्थल पर मन को एकाग्र रखना चाहिए। तेज आवाज़ से बोलना भी ठीक नहीं होता है। ऐसा करने दूसरों का ध्यान पूजा से हट जाता है, जिसे दोष भी लगता है। पांचवा है, बेल्ट पहनकर ना जाएं। मंदिर में कभी भी बेल्ट पहनकर या चमड़े की चीज पहन के नहीं जानी चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना जाता है, ऐसा करने से पाप लगता है। छठा है, उल्टी परिक्रमा ना करें। कुछ लोग अज्ञानता के कारण उल्टी परिक्रमा कर लेते हैं। हमेशा परिक्रमा उल्टे हाथ के तरफ से शुरू करके सीधे हाथ को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। सातवां है, मूर्ति के सामने ना खड़े हों। देवी देवताओं की मूर्ति के सामने खड़ा होना गलत है, क्योंकि भगवान की मूर्ति से निकलने वाले तेज ऊर्जा मानव शरीर को सहन नहीं कर पाता है। तो गाइस, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें इन नियमों का पालन धर्म स्थल पर जरूर करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।